अस्सलामु अलैकुम। बिरयानी एक ऐसा डिश है जो हर किसी के फेवरेट होता है, तो आज हम कोलकाता स्टाइल बिरयानी बनाने की स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीका आपसे शेयर करेंगे, वो भी अपने अंदाज में, यानी कि हम अपने स्टाइल से आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस डिलीशियस बिरयानी की रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आज की ये बिरयानी की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चावल भिगो लेना है। तो हमने यहाँ पर 4 कप चावल लिए हैं, यानी कि ये 800 ग्राम चावल है। तो चावल को हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, जिससे इसमें जो भी डस्ट लगा होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से आप इसे हाथों से मसल मसल कर धो लें। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो इसमें हमें इतना पानी डालना है कि ये चावल के लेवल से पानी का लेवल 2 से 3 इंच ऊपर हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमें एक बार पानी में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे, जब तक कि हम चिकन का मैरिनेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 केजी चिकन लिया है और इसे हमने अच्छे से धो लिया है। और बड़े पीसेज पे आप इस तरह से गहरे कट लगा लें, जिससे मसाले जो हैं अंदर तक के चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम दही डाल दिया है और अब हम इसमें 2 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो चिकन को हमें सिर्फ दही और नमक के साथ ही मैरिनेट करना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमें चिकन को आधे घंटे के लिए ढक करके एक साइड में रख देना है। अगर गर्मियां हो तो आप इसे फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे ढक कर एक साइड में रख देते हैं। तो इसी दौरान हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में 3/4 कप तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 3 मीडियम साइज चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन होने तक के फ्राई करना है, तो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। जब भी आपको प्याज गोल्डन फ्राई करना हो तो प्याज को चॉप करने के बाद उसके लच्छे को खोल लीजिएगा, जिससे प्याज जो है ईजिली और परफेक्टली गोल्डन फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज में कितना अच्छा कलर आया है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है। तो इसमें से हम एक हिस्सा निकाल कर एक साइड में रख देते हैं। बाकी का प्याज में हम यहाँ पर 1/2 कप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, यानी कि ये 6 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसी के साथ हम यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी डाला है क्योंकि मसाले जो हैं जले नहीं, तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर हमने इसमें कोई भी जीरा पाउडर या धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सभी मसालों का फ्लेवर अलग अलग होता है। उसी तरह से बिरयानी बनाने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो ये देखिए, हमने मसालों को काफ़ी अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। और चिकन डालने के बाद इन सारे मसालों के साथ हमें चिकन को भी अच्छे से भून लेना है, जब तक का दही का पानी जो है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए, हमने चिकन को यहाँ पर अच्छे से भून लिया है, तेल काफ़ी अच्छे से ऊर्जा आउट हो रहा है। तो अब हमें चिकन को गलाना है, तो हम यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद हम इसे लिड से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसे लिड से कवर कर देते हैं। जब तक चिकन पक रहा है, हम यहाँ पर बिरयानी का खुशबूदार सा मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 सिनेमम स्टिक लिया है और एक बड़ी इलायची लेंगे और 1 चक्रफूल लेंगे, 1/4 हमने जायफल का टुकड़ा लिया है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च लेंगे और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर शाही ज़ीरा लिया है और 10 से 12 लौंग लेंगे और 12 से 15 छोटी इलायची लेंगे और 1 जावित्री का फूल लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा पैन में रोस्ट कर लेना है, उसके बाद हमें इसे पाउडर बना करके रख लेना है। तो यहाँ पर हम चिकन को चेक कर लेते हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट पकते हुए हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि चिकन जो है काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ग्रेवी ऐसा दिखाई देता होगा। तो हमने जो पाउडर मसाला तैयार किया है, बिरयानी का गरम मसाला पाउडर, तो
तो इसमें हमें डाल देना है। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून बचा लिया है क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। बिरयानी मसाला डालने के बाद हमें चिकन को नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी ऐसा दिखाई देता होगा, तो इसी तरह से हमें चिकन को रखना है, तभी जो मसाले हैं चावल में अच्छे से लपेट सकेंगे। तो अभी हम इसे ढक करके एक साइड में रख लेते हैं जब तक कि हम चावलों की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक बड़े से बर्तन में चावल की क्वांटिटी का 4 से 5 गुना पानी लिया है। तो अब हम इसमें एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। यहाँ पर इसके पानी को आप चेक कर देख सकते हैं, इसका पानी जो है पीने में नमकीन लगना चाहिए, तभी चावलों में नमक का फ्लेवर आएगा, वरना चावल जो हैं फीके फीके लगेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून तेल डाला है, तो आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें सारे भीगे हुए चावल को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, जिससे बिरयानी जो है काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। तो एक बार हमें इसे मिक्स कर देना है। इसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पे इसे 80 से 90% तक के कुक कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं, हम चावल को चेक कर लेते हैं। अभी चावल 50% तक के कुक हुए हैं, लेकिन हमें चावल को अभी 80 से 90% तक के कुक करना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद फिर हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चावल को इस तरह से आप हाथ से दबा करके देख सकते हैं, ये आसानी से टूट जा रहा है, लेकिन इसमें हल्का सा कनी अभी भी बाकी है, यानी कि 90% तक के चावल कुक हो चुका है। तो इसमें से हमें 1/3 कप पानी निकाल करके एक साइड में रख लेना है। चावल को हम एक छन्नी की मदद से छान करके एक साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1/3 कप गुनगुना दूध लिया है, इसमें हम 1 टीस्पून केवड़ा पानी डालेंगे और 2 टीस्पून हम यहाँ पर मीठा अतर डालेंगे। ये कोलकाता बिरयानी की जान होती है, बहुत ही अच्छा खुशबू आता है इससे बिरयानी में। तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और मिलाने के बाद हमें इसे एक साइड में रख देना है। तो सारी चीज़ें तैयार है, तो अब हमें बिरयानी की असेंबलिंग कर लेना है। तो हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून तेल डाल देना है। यहाँ पर हमने चिकन में से ही तेल निकाल कर इसमें डाल दिया है। तेल डालने की वजह से चावल जो हैं बॉटम में चिपकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें चावलों की एक लेयर लगा लेनी है। यहाँ पर हम चावल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और चिकन और ग्रेवी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से एक लेयर फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर आधा चिकन और आधा मसाला डाल देंगे, इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए। इसके बाद हमें चावल की इसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है। यहाँ पर आप चावल को भी गरम ही लेयर लगाइएगा, और अगर आपका चिकन रखे हुए ठंडा हो गया हो तो आप उसे भी गरम कर लीजिएगा, जिससे बहुत ही अच्छा बिरयानी में जल्दी से दम लगेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ आलू लिया है, आलू को हमने थोड़ा सा नमक और फूड कलर डाल करके उबाल लिया था। उसके बाद हमने उसे थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया था। ये आलू जो है कोलकाता बिरयानी की जान होती है। यहाँ मटन या चिकन बिरयानी हो, सभी बिरयानी में आलू डाला जाता है। इसके बाद हमने फिर से बचा हुआ सारा चिकन और ग्रेवी इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर सारे बचे हुए चावलों से इसे कवर कर देते हैं। और हमने जो दूध मिला करके रखा था, जिसमें हमने केवड़ा पानी और मीठा अतर डाला था, इसके ऊपर हमें डाल देना है। इसके बाद हमने जो चावल में से पानी निकाला था, इसके ऊपर डाल देना है। ये दोनों चीज़ें बिरयानी को दम लगाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, जिसे हमने 1 टेबल स्पून पानी में घोल करके रखा था। और जो हमने प्याज फ्राई किया हुआ निकाल करके रखा था, इसके ऊपर इस तरह से हमें डाल देना है। इसके बाद हम बिरयानी को लिड से कवर कर देंगे और गैस के ऊपर दम लगने के लिए रख देंगे। इसे हमें 25 से 30 मिनट के लिए दम लगा लेना है। शुरू में हम गैस के फ्लेम को 2 से 3 मिनट के लिए हाई कर देंगे, जिससे पैन जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, और उसके बाद हमें गैस के फ्लेम को लो कर देना है। तो यहाँ पर हमने 30 मिनट के लिए इसे दम लगाया था, उसके बाद हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था, और बंद फ्लेम में ही हमने इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छे से दम लगा है।
इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बन करके तैयार हुआ है और माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे लंच या डिनर के लिए बनाएं या फिर किसी भी ओकेशन पे बनाएं या फिर जब भी आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हों तो आप इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है इसे बनाना। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये बिरयानी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।